एशियन गेम्स 2023 में आर्चरी एक बेहद इंपॉर्टेंट रोल में दिखाई देने वाला है। इस वक्त की करंट फॉर्म इंडियन आर्चर्स की काफी शानदार है। वर्ल्ड लेवल पर पिछले एक सालों में इंडियन टीम ने काफी ज्यादा गोल्ड मेडल ग्रैब किए हैं, तो यार एशियन गेम्स एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट लेकर आएगा। वर्ल्ड आर्चरी लेवल पर भी इंडियन टीम कंटिजेंट कैसा दिख रहा है एशियन गेम्स 2023 के लिए, आज इस वीडियो में वही बताने वाला हूं। तो मैं आपका होस्ट आयुष, सबसे पहले शुरुआत कर देते हैं वेमेन्स टीम हमारी कैसी है। तो यार सबसे पहले रिकर्व में प्राची सिंह, अंकिता भगत, भजन कौर और इसके अलावा सिमरनजीत कौर है। बात करें कंपाउंड टीम की तो अवनीत कौर, ज्योति सुरेखा वेनम, जिनका नाम आपने सुर्खियों में सुना ही होगा, बहुत सारे इन्होंने अचीवमेंट्स ग्रैब किए पिछले एक सालों में। इसके अलावा अदिति स्वामी जो कि यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बनी है और भारत को टॉप पर पहुंचाया है। इसके अलावा परनीत कौर, तो वुमेन्स स्क्वाड हमारा 8 प्लेयर्स का है और काफी सॉलिड है। बात करें अगर पिछले एक साल में इंडियन टीम का सफर कैसा रहा है, तो इंडिया फिनिश्ड द आर्चरी वर्ल्ड कप 2023 स्टेज 4 इन पेरिस विद 5 मेडल्स इंक्लूडिंग 2 गोल्ड एंड 3 ब्रॉन्ज मेडल। द इंडियन वुमेन्स कंपाउंड आर्चरी टीम ऑफ अदिति गोपीचंद स्वामी, ज्योति सुरेखा वेनम एंड परनीत कौर सिक्योर्ड गोल्ड मेडल इन आर्चरी वर्ल्ड कप एंड आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी इन तीनों की जोड़ी ने कमाल किया था और शानदार परफॉर्मेंस करते हुए गोल्ड ग्रैब किया था। इसके अलावा बात करें इंडिविजुअल इवेंट्स की, तो ज्योति सुरेखा वेनम एकमात्र खिलाड़ी थी इंडियन टीम के जिन्होंने मेडल लाए थे ब्रॉन्ज मेडल। बात करेंगे बाकी के खिलाड़ियों की, तो 17 ईयर ओल्ड अदिति गोपी स्वामी बनी थी वर्ल्ड रैंक नंबर 1, यंगेस्ट चैंपियन बनी थी। इसके अलावा अगर बात करें जो अभी तक का इनका सफर रहा है पिछले एक साल तक का शानदार रहा है, इनके अलावा भी चांसेस तो थे कई सारे मेडल्स लाने के, लेकिन वहां पर अपसेट हाथ लगी। जब आपके सामने टीम होंगी कोरिया की और चाइना की, तो वहां पर आपको अपना ए गेम दिखाना ही पड़ेगा, तो एशियन गेम्स में आपको दिखी जाएगा। बात करें अगर मेंस टीम की, तो पिछले कुछ सालों में मेंस टीम का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है जितने हम पहले के परफॉर्मेंसेस इनकी देख चुके हैं। तो भाई मेंस टीम की अगर बात करें, रिकर्व में है धीरज बोम्बदेवारा, इसके अलावा अतानु दास जो कि एक शानदार वेटरन खिलाड़ी रहे हैं, तुषार शालके, मृणाल चौहान। इसके अलावा अगर बात करें कंपाउंड टीम की, तो अभिषेक वर्मा है टीम में शामिल है, ओजस देवताले जिनका नाम सुर्खियों में बना हुआ है अभी भी। इसके अलावा रजत चौहान और प्रथमेश जावकर टीम में शामिल है। इंडियन मेंस टीम की बात की जाए, तो रिकर्व में ओजस प्रवीण देवताले, प्रथमेश जावकर और अभिषेक वर्मा ने गोल्ड मेडल सिक्योर किया था वर्ल्ड कप में आर्चरी के। इसके अलावा धीरज बोम्बा देवारा, अतानु दास और तुषार प्रभाकर शालके ने ब्रॉन्ज मेडल सेम मेंस रिकर्व टीम इवेंट में ग्रैब किया था। बात करें अगर विमेन्स टीम की, जो कि पिछले कुछ सालों से काफी ज्यादा शानदार परफॉर्मेंस दिखा रही है, जैसे कि मैंने बात करी, उसमें भजन कौर, अंकिता भगत और सिमरनजीत कौर ने ब्रॉन्ज मेडल ग्रैब किया था विमेन्स रिकर्व टीम में। और पिछले कुछ सालों में जैसा परफॉर्मेंस रहा है टीम इंडिया का, हम कई सारे मेडल्स इस साल इस सीजन भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं एशियन गेम्स में, लेकिन इंडियन टीम के कई सारे शानदार खिलाड़ी मिस होते दिख रहे हैं। सबसे पहले तो फॉरवर्ड वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी दीपिका कुमारी, हु फेल टू क्वालिफाई इन द इंडियन टीम इवेंट, एशियन गेम्स 2023 में दिखाई नहीं देंगी, कुछ निजी कारण भी रहे जिनकी वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाई है। इसके अलावा पिछले साल तक 2022 में जो कि एशियन गेम्स होने थे, वहां पर अतानु दास भी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, लेकिन अब जब पोस्टपोन किया गया तो वहां पर कट अपना हासिल कर पाए। और ओलंपियन जयंत तालुकदार, इनको भी टीम में हिस्सा नहीं देने को मिला क्योंकि भाई परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा था। इसके अलावा कोमालिका बरी, फॉर्मर कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप, फॉर्मल नेशनल चैंपियनशिप रिधि बोर डिड नॉट मेक अ कट इन द इवेंट। तो भाई कई सारे बड़े नाम इस इवेंट में देखने को नहीं मिलेंगे, स्पोर्ट्स में देखने को नहीं मिलेंगे एशियन गेम्स 2023 में, लेकिन ये सारे जितने भी खिलाड़ी हैं इनसे कई सारी प्रबल संभावनाएं हमें गोल्ड की होने वाली है। सबसे पहले तो धीरज बोम्बा देवारा, अतानु दास, तुषार शेलके की जोड़ी कमाल दिखाने के लिए बेताब होगी। इसके अलावा बात करें ओजस देवताले, सुर्खियों में बने हुए इंडिविजुअल एज वेल एज टीम इवेंट में ये आपको गोल्ड लाके जरूर दिखा सकते हैं। अभिषेक वर्मा, रजत चौहान और प्रथमेश जावकर पर भी निगाहें गड़ानी होगी हमें जब ये सारे खिलाड़ी आपको एशियन गेम्स पोडियम पर दिखाई देने वाले हैं सिल्वर वेयर के साथ। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब, खेल नाओ को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को ढेर सारा शेयर भी कीजिएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड।